नमस्कार दोस्तों, हम आपको स्वागत करते हैं एक नई वीडियो में। आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक और गाड़ी हमारे पास आई है, होंडा सिटी 2014 का मॉडल है, BS4 WD2 है। उसमें अधिकतर CNG इंप्लीमेंट कर दिया है और साथ ही साथ हमने उसमें इस्तेमाल किए वो भी दिखाएंगे। कंपोनेंट जो निकलते हैं उसके अंदर से वो कहाँ कहाँ फिटते हैं वो भी हम दिखाते हैं आपको। सिलेंडर कितनी कैपेसिटी का है और कौन से कितने किलो का लगाते हैं वो भी दिखाएंगे आपको। फूड स्पेस भी कवर करने की कोशिश करेंगे। चलिए हम आपको यहाँ पे आपको दिखा देते हैं, ये इंजेक्टर रेल है, यहाँ पे फिलिंग बल्ब वहाँ लगाया हमने, CNG ठीक उसके साथ देख सकते हैं आप, रिड्यूसर हमने वहाँ लगाया है देख सकते हैं। चलिए हम आपको एक बार मैं आपको वो दिखा देता हूँ ड्राइवर इंटरफेस। चलिए हम आपको दिखा देते हैं बूट स्पेस कितना बचता है। 12 किलो का सिलेंडर लगाया हमने इसमें, तकरीबन आपको 7 से 8 किलो गैस मिल जाती है। बूट स्पेस भी काफ़ी अच्छा बच जाता है देख सकते हैं आप। मैं एक बार आपको स्टेपनी दिखा देता हूँ, इसके ठीक नीचे है। कवर को उतना ही काटा गया है ताकि दोबारा यूटिलाइज़ किया जा सके, स्टैंड के अकॉर्डिंग ही काटा गया है देख सकते हैं आप। जैसा कि बटन आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग तरीके से हमने लगाया ताकि गाड़ी में कोई डेंट ना आए, ना स्क्रैच आए। RPM देख सकते हैं कहीं भी ऊपर नीचे फ्लैक्चुएट नहीं हो रहा है। स्कैनर में भैया पूरा ध्यान रखते हैं कि जो ट्रिम्स है उसकी फ्रीक्वेंसी के बराबर लैपटॉप के ज़रिए सेट की जाए CNG की भी, ताकि जो पिकअप है वो 95% एग्जैक्ट बैठ पाए। एक बार हम टेस्ट ड्राइव भी दिखाएंगे आपको। ऊपर की और साइड की दोनों लाइटें छोड़ के यहाँ से, और एक बार छोड़ दो इधर की, दो ऊपर की। हाँ, इसको ऊपर 185 95। और साथ में हमने आपको ये भी दिखाया कि प्रोग्रामिंग कैसे की, किस किस कोड पे किया जा रहा है ताकि CNG पिकअप जो है 95% जो क्लेम करती है ऐसी छोटी छोटी जानकारी के लिए ये भी आपको मोबाइल को इंस्टाग्राम पर फॉलो करें और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें।